हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पानीपत फिल्म को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल मामला ये है कि जाट महासभा पूरे देश भर में इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि फिल्म पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, क्योंकि जाटों के महाराजा सूरजमल है, उनका करैक्टर इस फिल्म में थोड़ा दिखाया गया वो अलग है, क्योंकि जो उनकी इतिहास था उससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ है, ऐसा जाट महासभा का मानना है। मेरे साथ इस समय राजस्थान जाट महासभा की हनुमानगढ़ जिले की महिला अध्यक्ष हैं सोनिया सिंह, मैं इनसे चर्चा करता हूं और आज ये सिरसा आई हैं तो हम इनसे चर्चा करते हैं। मैडम, इस फिल्म को लेकर के जिस तरह से बवाल मचा हुआ है राजस्थान में, आप राजस्थान से हैं, जयपुर में कई जगह खूब विरोध हो रहा है और सिरसा में भी चल रहा है कि विरोध किया जाएगा, क्या मानते हैं इस फिल्म को लेकर के कि किस तरह का करैक्टर दिखाया गया है? वाकई उस करैक्टर से छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं इतिहास से छेड़छाड़ आप इसको लेकर के मानते हैं? अत्यंत दुख की बात है ये कि महाराजा भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट की जो असली चित्रण था उनके साथ फिल्म में जो दृश्य दर्शाए गए वो बेहद निंदाजनक है जाटों के लिए। असली जो उनका चित्रण था उसके साथ छेड़खानी की गई और पूरा हरियाणा और राजस्थान में, उत्तर भारत के जाटों में इसका विरोध रहा है और जयपुर में भी इसको विरोध बंद करके राजस्थान जाट महासभा की तरफ से ज्ञापन दे के बंद करवाया गया है। और मेरा मानना है कि सरकार से मेरा निवेदन है कि आगे से कोई भी महान व्यक्ति या कोई भी राजा के अगर उसके फिल्म बनाई जाए, जैसे पीछे पद्मावती का भी हुआ था, अभी महाराजा सूरजमल जी के ये पानीपत का विरोध हो रहा है, तो उसमें उसके समाज और परिवार के लोगों को वो मूवी दिखाकर ही उसको रिलीज की जाए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को बैन करने की मांग आप कर रही हैं कि बैन होनी चाहिए, जिस तरह से पद्मावत में जो कुछ आर्टिकल जिन पे बैन था उसको हटाया गया, तो इस फिल्म में भी जो आर्टिकल जिन पे बैन, जो विवादित जिसको जाट महासभा मान रही है उसको हटा करके फिल्म को रिलीज किया जाए, ऐसा मानते हैं आप? नहीं नहीं, उसको पूरा जो चित्रण महाराजा सूरजमल जी जाट ने किया था और वो दिखाया जाए जो एक्चुअल में है वो। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सोनिया सिंह। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।